अच्छा हाँ पे फार्मूला ते चाहूँ था ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी एंड प्लस बी स्क्वायर। हाँ इन फार्मूला के ऐसी परेशान ना थेणो जैसे न इंदो आज थोड़ी देर का इंशाला हे टे फार्मूला तैयार ला बिल्कुल हलवो थी वा। हाँ यो चे तो जैसे ब शूँ पा में जोड़ थे जी मिसाल तो वो फोर प्लस फाइव। अच्छा इन मतलब होल स्क्वायर हो होल लफ्ज़ का मतलब आ सो यानी तक मारे पुछा तो स्क्वायर सदे के मतों है सदे दर्जे के मतों या चैन ए पंजन के मतों अलग अलग आड़ो हों चैन के मतों अलग स्क्वायर ए पंजन के मतों अलग स्क्वायर बो हों होल स्क्वायर जी में हो डिंगी डिनल होंगी मतों स्क्वायर हों तो इन मतलब आने सदे के मतों स्क्वायर आ चे तो जैसे भी सदे के मतों स्क्वायर हो तो वो कें सॉल्व कबो आ। हाँ उन तरीको ऐसो जैसे मिसाल तुम वो हिं हो फोर प्लस फाइव होल स्क्वायर जैसे भी होल स्क्वायर वो हो तो वो कें सॉल्व थन्द ऐसो पे मतों स्क्वायर हाँ ये पेरी रकम आी रकम आिंग नंढड़ी ठाई वो थोड़ी जगह छड़े कर ठीक है इतने पेरी रकम जन के मतों स्क्वायर कह यानी कि चैन के मतों स्क्वायर इतने बी रकम जन के मतों स्क्वायर कह हाँ तक अलजिब्रा में फार्मूलो हल कराणो पर हली तक नंबर में कराया तो जी तक ईजी लगे जैसे तक पको वो ना पा इन में अलजिब्रा खी इंदे यानी कि वेरिएबल्स खी इंदे थोड़ी देर के लिए अस इन ड्राए छा पे ठीक है। हाँ वरी मैं रिपीट क्या तो ब नंबर या बन रकमू पा में जोड़ थे होंगी उनके मतों होल स्क्वायर हों पेरी रकम के मतों स्क्वायर जगह छड़े कर वरी बी रकम के मतों स्क्वायर कह विच में वरी ऐसो चार प्लस पंज है ना इतने प्लस तुम बिन रकम के पा में जरब कह मैं सागो ही दर्जो लिखो चार ए पंज पर जोड़ जगह से लिखो जरब यानी कि पेरी ए बी रकम के वरी विच में इतने पा में जरब कह उन वरी बिन से जरब कह यो आ फार्मूलो ठीक है। सो हाँ ऐसो चैन के मतों स्क्वायर आ अगेन तक स्क्वायर छड़ा चाहिए इत भी प्लस दी इत भी प्लस हाँ अस बेसिकली टे रकमू थी वो एक रकम ये लास्ट रकम ये मिडिल टर्म चौबो विची रकम में कबो आ रिपीट क्या तो जो बदर्जा डिनल हूं उनके पा में जरब कर बिन से जरब कबो आ टो एग्जाम्पल दिसो ये तला बिल्कुल आसान थी वो हाँ अस छाइंदा इन के चैन के मतों स्क्वायर आ हाँ इन मतलब यू ना तो चार जरब ब क्यों इतने स्टूडेंट गलती क्या इन लिए जरूरी है तक स्क्वायर छड़ा चुन खे स्क्वायर के मतलब यू हों चैन के मतों स्क्वायर या चैन के मतों पावर ब जो मतलब यो आ चैन के चैन सा ही जरब कर घा दफा ब दफा देखो मतों पावर आ सिर्फ बुधाई केतरा दफा यानी हाँ चार अस लिखा पर घा दफा ब दफा सो असा इनके हिं बेसिकली सॉल्व कहते चार जरब चार चैन के चैन से ब दफा जरब जैसे चैन के मतों पावर टे हो तो अस चैन के टन से न बल्कि चैन के चैन से ही जरब क्यों हाँ पर घा दफा टे दफा छो जो मतों पावर घणो आ टे डल आ ठीक है। जैसे मिसाल तुम वो टू के मतों पावर पंज हो तो बिन के पंजन से जरब न क्या पंजू ड ब ही लिखा पर घा दफा लिखी वादे पंज दफा लिखा छो मतों पावर पंज है ये टे ये चार ये पंज सो यो आ पावर के सॉल्व कर जरब छाइंदा बिनू चार चार डू अठ अठ डू सोरह एक सौ सोलह बी सौ बटी सो टू पावर फाइव इज इक्वल टू थर्टी टू थी। हाँ इतने चैन के मतों पावर बे तो इन मतलब चैन के चैन से ब दफा जरब कह चार चौक सोरह सो इन जवाब घो अची वो सोरह अचो इतने इतने पंजन के मतों पावर ब है तो इन मतलब पंजन के पंजन से ब दफा जरब कह रफ्त से कर दिसा तो पंज पंजा घो पंजवी हाँ इतने स्टूडेंट गलती क्या पंजू डह कर पंजन के बिन से न बल्कि पंजन के पंजन सा ही जरब करो घा दफा ब दफा पेरी रकम भी सॉल्व थी वही सोरह अची वो बी रकम भी सॉल्व थी वही पंजवी अची वो हाँ विची रकम बची हाँ पा में सिंपल मल्टीप्लाई कह चार डू अठ अठन के पंजन से जरब कह पंजा चालीह हाँ अस टे रकमू अची वो ये असो जवाब आ ठीक है। तुम इनके फर्दर जोड़ कर सकूँ पे तो फिलहाल तुम न कौ छो जी तक समझ में अचे तो पेरी रकम ये यानी कि फर्स्ट टर्म ये लास्ट टर्म ए ये मिडिल टर्म ठीक है। हाँ इन बो एग्जाम्पल ऐसो तो तुझे लिए बिल्कुल हलवो थी वो पे नंबर से प्रैक्टिस कौ वरी तुम हलद अलजिब्रा से हाँ मिसाल वो पे असो दर्जो आ सिक्स प्लस एट होल स्क्वायर ठीक है। हाँ तक समझाया हे पे रकम हे बी रकम तुम इतने ब डिंगी नंढी ठाई वो एक इतने एक थोड़ी परे कर में पे रकम रखद पे रकम कड़ी छह में बी रकम रखद कड़ी अठ ठीक है। विच में वरी इन में जोड़ हुई ना हाँ विच में तुम इन बिन के जरब कह पे ए बी रकम के ऐसो विच में सिक्स प्लस एट मैं सिक्स मल्टीप्लाइड बाय एट लिखो यानी पे ए बी रकम जरब कर वही जरब कौ बिन से ये तुम कम तैयार थी पर इतने मतों छो स्क्वायर पे आखिरी रकम के मतों स्क्वायर डिबो इत भी प्लस दी इत भी प्लस हाँ जो सो जरब छाइन स्क्वायर छाइन छन के मतों पावर ब जो मतलब बिछिक बारह थो या छन के छन से ब दफा जरब कह जारी गाल छन के छन से ब दफा जरब कह छिछिक छटी थी वो इत भी अठन के बिन से न बल्कि अठन के अठन से ही जरब कह दफा अठ अठा चौहठ सो हि रकम भी अस वे अची वही।
हाँ ये विच वाली रकम पा में ज़रब कहते पर्यों अठन के छह से ज़रब क्यों अठ छिक अठेताली अठेताली दरमियान ब घो मुझे ख्याल में 96 ये तंसर आई होप तक टाइप जो हाँ अची हों एकड़ो मां दियाव तो यो अलजबरा के बगैर नंबरन वो जी तुम हे फॉर्मेट पक्को थी वे यो कयो पो अलजबरा खणी था चो हाँ ये तुम कर दिखारो 4+7² ठीक है हाँ इनके कें सॉल्व कौ इत एक डिंगी ठाई इत बी में पे रकम रखद उन मथो स्क्वायर इत बी रकम रखद उन मथो स्क्वायर दी विच में पे बी रकम जो पा में जरब कर जरब कौ ये कर दिखारो तो पा अलजबरा हलूँ तो